BTS के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स काफी हाई हैं। कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से BTS का फेस आइडियल फेस माना जाता है, और अगर बात करें BTS के मेंबर जिन की, तो उनको तो वर्ल्ड वाइड हैंडसम कहा ही जाता है। लेकिन रिसेंटली एयरपोर्ट पर जिन कुछ ऐसी हालत में पकड़े गए जिसके बाद उनकी ब्यूटी और फेस को लेकर काफी बातें चल रही हैं। इनफैक्ट कई लोगों ने नोटिस किया कि जिन एयरपोर्ट पर अपना फेस छुपा रहे थे, जिसके बाद काफी कॉन्ट्रोवर्सीज रिलीज हो गई कि क्या सच में जिन असल में बहुत सारा मेकअप यूज करते हैं, क्या उनका फेस उतना सुंदर नहीं है जितना दिखता है, या फिर वो ऐसी क्या चीज है जिसको जिन कैमरे के सामने छुपा रहे थे और वो अपनी शक्ल को इतना हाइड क्यों कर रहे थे, क्या जिन खुद को अगली समझते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो एक सीक्रेट राज है। तो दोस्तों, रिसेंटली जिन कहीं बाहर जाते हुए नजर आए, वो इंचान एयरपोर्ट पर कई सारे रिपोर्टर्स को दिखे, और उसके बाद पता चला कि जिनके ओवरसीज स्केड्यूल के लिए जिनको कोरिया से बाहर जाना पड़ा है। एंड ऑब्वियसली जहाँ पर BTS होते हैं वहाँ पर हजारों कैमरा तो होते ही हैं, तो हमेशा ही देखा जाता है कि BTS के मेंबर जिन तो डेफिनेटली काफी बड़े आउटफिट्स में दिखते हैं और उनका फेस भी एकदम क्लियर ग्लोई विजिबल होता है और कैमरे पर जिनकी काफी अच्छी अच्छी फोटोज रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन इस बार आर्मीज ने नोटिस किया कि इस बार जिन ने मास्क लगाया हुआ था, उनका फेस भी विजिबल नहीं था और ऊपर से उन्होंने कैप भी पहनी हुई थी, जिसके बाद कई सारे रिपोर्टर जब जिनकी फोटो खींचने पहुंचे तो जिन फोटोज नहीं खिंचवाना चाह रहे थे। जिन ने उन्हें मना भी किया और बोला कि नहीं नहीं मेरी फोटो मत खींचो, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, ये नहीं हो सकता, मैं काफी अगली लग रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, अगर मुझे पता होता कि आप सभी यहाँ पर हो तो मैं थोड़ा मेकअप डाल के आता। अब जिनकी ये लाइन कई सारे आर्मीज को तो बेकारी लग रही है। कई आर्मीज का कहना है कि भाई जिनको पता ही नहीं है कि अगली होता क्या है, क्योंकि अगर जिन खुद को अगली कह रहे हैं तो भाई हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जिन जैसी ब्यूटी अगर किसी के पास हो तो वो अगली का यू भी खुद से बहुत दूर रखे। और इवन दो कैमरे की फोटोज में भी जिन की जो फेस एकदम क्लियरली बहुत ही ग्लोई लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऑल्दो उनका पूरा फेस विजिबल नहीं है, लेकिन जिन काफी डैशिंग लग रहे हैं। तो कैमरामैन भी जिनको बोल रहे थे कि नहीं नहीं आप अगली नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो ऐसा वैसा, लेकिन उसके बाद भी कई फैंस ने नोटिस किया कि जिन काफी ज्यादा रेसिस्टेंट थे और अपने फेस को बार बार छुपाने की कोशिश कर रहे थे, फेस नहीं दिखा रहे थे, जिसके बाद कई सारे हेटर्स ने ये बातें फैलानी शुरू कर दी कि BTS का जो फेस है वो फेक है, या फिर BTS जिन काफी अगली दिखते हैं रियल में, उनकी रियल स्किन डिफरेंट है, ऐसा वैसा काफी बातें हो रही थी क्योंकि जिन बार बार अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ऑल्दो दोस्तों हो सकता है कि जिन जिस स्केड्यूल के लिए जा रहे हैं वहाँ के लिए प्रिपरेशन करी हो, इसलिए वो अपनी फोटो ना दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि कई बार आर्टिस्ट ना अपने बाल बाल कलर करवा के और काफी चेंजेस करवा के बाहर निकलते हैं, तो वो ऐसे ही छिपछिपा कर जाते हैं ताकि उनका न्यू लुक रिवील ना हो जाए। बाकी तो आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है कि भाई क्यों जिन अपना फेस छुपा रहे थे। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।